विधानसभा में लगातार दोनों दिनों के सत्र समाप्ति की ओर है, दूसरे दिन में समाप्ति की ओर है। हमारे साथ कुछ विधायक मौजूद है जो नव निर्वाचित होके आए हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। लगातार प्रक्रिया चल रही थी, आपको नई विधानसभा में बैठन हुआ है, आप लोग सभी लोग सुनाई लोग सुनकर आए दोबारा से, और शपथ ग्रहण का समारोह लगातार लगातार क्रम में जारी था। क्या लगता है मंत्रिमंडल का गठन कब तक हो जाएगा, और किस तरीके से आप लोग नव निर्वाचित जो विधायक आए हैं, क्योंकि आप पहली बार विधायक बने हैं, लगातार आप किसको देखना है, तो इस बार आपको और बड़ी जीत आपने हासिल करी है, क्या लगता मेरा चुनाव मेरे क्षेत्र की जनता ने लड़ा है, और मैं दो बार पहले लड़ चुका, दो बार भरपूर आते सब आशीर्वाद मिला वाले जीत ना पाए, लेकिन इस बार जनता ने तीसरी बार भी मतलब जनता ही की वजह से मुझे कांग्रेस से टिकट मिला, और उन्होंने ही मुझसे ज़्यादा मेहनत करके चुनाव लड़ा, मेरे सभी कार्यकर्ताओं की टीम ने, पूरा कांग्रेस संगठन ने, और मेरे से ज़्यादा मैं क्षेत्र की जनता ही जीत पाऊँगा। विकास को लेकर आपने जो मॉडल तैयार किया वो क्या लगता है, क्या मॉडल क्या काम क्षेत्र के विकास पर योजनाएं बहुत है, और जो योजनाएं चल रही है उनको पूर्ण कराने के हमारा मेन मकसद है, और हर वो संपूर्ण होती है तो ये मान लो क्षेत्र में विकास बहुत हो जाएगा, और आगे भी पहले से बड़ा है, संकट है उससे संबंधित, कॉलेज से संबंधित, ये हम इनको जो कि चुनाव लड़े थे उन्होंने कहा कि हम पूर्ण कराएंगे जब तक वोट मांगे जाएंगे, लेकिन उनकी उन्होंने तो बोला है लेकिन हम करके दिखाएंगे। लगातार बीजेपी सरकार इसके अलावा पहले से गाइडलाइंस थी उसको गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए सख्ती से निर्देश जारी किए, इसमें आपका क्या कहना है? देखो उन्होंने लाउड स्पीकर ही बात की है, मेरा तो यही कहना है कि उनका ध्यान पहले किसानों, युवाओं और स्वास्थ्य और शिक्षा पे जाना चाहिए, ये बातें तो होती रहेंगी, हालांकि ध्वनि प्रदूषण है तो उसका टाइमिंग समझ में आती है, लेकिन तब कभी नहीं होता, कुछ समय निर्धारित करके कम किया जा सकता है, लेकिन धार्मिक रूप मेरे हिसाब से बंद होना मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसके अलावा ठीक है मीट मांस ऊपर का विषय, लेकिन अपने हिसाब से ऊपर न करके ऐसी जगह देखा जाए जिससे किसी को दिक्कत ना आए, मैं यही कहूँगा, लेकिन मेरा तो यही है माननीय मुख्यमंत्री से पहले तो उनको बधाई भी देता हूँ, और उनका ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों और अपने युवाओं के भविष्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि इन चीज़ों को जनता को क्षेत्र के प्रदेश की जनता को ये थे हमारे क्षेत्र के गौरी हुआ है कैलाश कुशवा जी, लगातार आज लगातार नोटिस से लगातार यहाँ लगे हुए हैं, पहली बार उन्होंने विधानसभा में सत्र अटेंड किया है, पहली बार विधायक बनकर चुप कराया उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों को लेकर हमें करना है।